Welcome to this lecture. In this lecture, we will display the record in this table. So now, सबसे पहले हमें क्या करना है? showContent.php की फाइल को ओपन करना है और यहाँ पर हमने क्योंकि डेटाबेस से रिकॉर्ड हमने फेच करना है तो सबसे पहले तो हम क्या यहाँ पर लिखेंगे include की हमने कमांड देनी है और यहाँ पर हमने config.php को इंक्लूड कर लेना है. आपको याद होगा कि config.php क्या है, जिसमें हम कनेक्शन बना रहे थे डेटाबेस के साथ. तो हर उस फाइल में हम इसको इंक्लूड करेंगे जहाँ से हम डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे होंगे, डिलीट कर रहे होंगे, अपडेट कर रहे होंगे या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे जो डेटाबेस के रिलेटेड होगा. तो अब हमने क्या करना है, इस टेबल में हमने रिकॉर्ड जो है यहाँ पर आकर डिस्प्ले करना है. तो सबसे पहले तो क्योंकि हम पीएचपी के थ्रू रिकॉर्ड को क्या करेंगे, फेच करेंगे डेटाबेस से. कनेक्शन हमने इंक्लूड कर लिया और यहाँ पर हमने SQL का एक वेरिएबल क्रिएट करना है SQL एंड यहाँ पर हम देंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कंटेंट. ये हमारे टेबल का नेम है कंटेंट, तो इसको हम सेव कर लेते हैं. और इसके बाद हमने क्या करना है, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाना है. सो एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम जब भी ऐसी क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि इसमें जो रिकॉर्ड है वो डेटाबेस से फेच होकर किसी न किसी वेरिएबल में ये कहीं ना कहीं हम स्टोर करते हैं. जो रिकॉर्ड है वो हम फेच कर रहे होते हैं जब डेटाबेस से, तो एक वेरिएबल बनाते हैं रिजल्ट का, जिसमें हम क्या करेंगे MySQL क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे. और ये क्यूरी जो रिजल्ट रिटर्न करेगी रॉज की सूरत में वो हम स्टोर करवाएंगे रिजल्ट में. सो कनेक्शन का वेरिएबल है. और उसके बाद जो हमने आर्गुमेंट पास करना है वो हमारे पास SQL का है. सो SQL का आर्गुमेंट हमने पास करना है. अब हमने क्या करना है, इसको इफ कंडीशन लगाकर ये चेक करना है क्या रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है. ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी तक यूजर ने कोई भी रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट ना किया हो, या इंसर्ट किया हो तो सारा रिकॉर्ड डिलीट कर दिया हो, डेटाबेस के टेबल में कोई भी रिकॉर्ड ना हो. तो सबसे पहले हमने एक फंक्शन कॉल करना है MySQL num_rows. ये टेबल की रोज को बताता है कि टेबल की रोज जो है वो कितनी है. और इसमें हम पास कर देंगे रिजल्ट और इसको देखेंगे कि अगर रोज जो है वो जीरो से ज्यादा है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज हम एल्स में प्रिंट कर देंगे कि इको. और यहां पर हम प्रिंट कर देते हैं, आप सिंगल कोटेशन भी दे सकते हैं, डबल कोटेशन भी दे सकते हैं. यहां पर हम TR TD टेबल रॉ टेबल डाटा एंड TD क्लोज करेंगे पहले हम, फिर हम TR क्लोज करेंगे और इसके अंदर हम लिख देंगे नो रिकॉर्ड. ओके, सो अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको हम यहां से कट कर लेते हैं. और ये जो है वो आपने लाजमी जो यहां पर इको करना है, तो ये सिंगल कोटेशन देना है. सिंगल कोटेशन क्यों देना है मैं आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि इसके अंदर हम डबल कोटेशन को यूज कर रहे हैं. जैसे कि मैं अगर क्लास में एट्रीब्यूट जो है उसको वो कर रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ कोई क्लास एट्रीब्यूट, तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ BTN उसको मैं डबल कोटेशन में दे रहा हूँ. तो आउटर जो होती है वो सिंगल कोटेशन होती है. ओके, सो अब हमने ये कर दिया. उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, कंकेटिनेट करके यहाँ पर वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना है. सो अब हमने वैल्यूज कहाँ से लेनी है, हमने वैल्यूज जो लेनी है वो यहाँ पर वाइल लूप लगाना है. और वाइल लूप से हमने क्या यहां पर एक
वेरिएबल क्रिएट करना है और माई एस के एल आई, यहां से हम इस फंक्शन को कॉल करके क्या लेंगे, एक एसोसिएटिव अरे लेंगे, माई एस के एल आई फैच। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एसोसिएटिव अरे, और इसमें भी हम क्या पास करेंगे, रिजल्ट का आर्गुमेंट हमने पास करना है। तो अब हम इस लूप को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि एक रॉ है, दो रॉज हैं, तीन रॉज हैं, तो ये क्या होगा, ये लूप जितनी रॉज होंगी उतनी बार ये एग्जीक्यूट होगा, और उतनी बार एग्जीक्यूट होगा तो उतनी टेबल की रॉज जो हैं वो इंक्रीज होंगी और उनमें डाटा जो है वो हम डिस्प्ले करवाते जाएंगे। अब हमने क्या करना है, इसको ये हमने एक वो बना ली, ठीक है, जो भी इसको आप कह लें, इसको हम इको का एक आर्गुमेंट बना लेते हैं। फिर हम इसको क्या करेंगे, कंकेटिनेट करेंगे। कंकेटिनेट मींस डैट कि हम वेरिएबल को डिस्प्ले करवाएंगे यहां पर, फिर इसको हम क्या कर देंगे, ये एक हमारे पास पूरी एक स्ट्रिंग है जो इन्वर्टेड कॉमास में है और यहां पर हम वेरिएबल दे रहे हैं। तो यहां पर हम वेरिएबल हमारे पास है, अरे है, अरे देना है हमने, तो उस अरे के अंदर आपने कौन से कॉलम की वैल्यू को फैच करना है, तो आईडी को फैच करना है। तो अब हमने इसी तरह देना है, यहां पर हमने टाइटल को फैच करना है, तो यहां पर हमने टाइटल को फैच कर लिया, यहां पर हमने एडिट डेट को फैच करना है, आप सोच रहे होंगे कि यहां पर हमने नोट्स को डिस्प्ले नहीं करवाया, क्योंकि नोट्स जो होते हैं वो अगर मैं कोई लेक्चर इसमें स्टोर करवा रहा हूँ डेटाबेस में, या काफी ज्यादा कंटेंट जो है वो स्टोर करवा रहा हूं, तो वो एक टेबल में इस तरह से डिस्प्ले नहीं हो सकता, तो उसको हम अलग से किसी अलग पेज पर हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे। सो यहां तक हम इसको सेव कर लेते हैं और अपने पेज को जो है वो रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, सो कॉल अनडिफाइंड फंक्शन माई एस के एल आई नम रॉज। ओके, यहां पर ये कह रहा है कि माई एस क्यू एल, सो यहां पर हम सेव कर लेते हैं यहां पर। तो ये डेटाबेस से जो वैल्यूज हैं ये फेच करके हमें लेके आ रहा है। अगर मैं ये इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं है। अब हमें यहाँ पर हमने लिंक देने हैं, तो यहाँ पर लिंक देंगे तो यहाँ पर अभी हमने एक और क्रिएट ये किया हुआ है कंटेंट डॉट पी एच पी, तो इसमें हमने क्या करना है, कंटेंट डॉट पी एच पी, और यहाँ पर आकर हमने कंकेटिनेट करना है उसी तरह से हमने, और यहाँ पर आई डी दे दिया। और आपको पता है कि जब हम गेट रिक्वेस्ट के थ्रू सेंड करते हैं तो किस तरह से करते हैं, गेट रिक्वेस्ट में क्या होता है कि हम यूआरएल के थ्रू क्या करते हैं, वैल्यूज को पास करते हैं। जब हम यूआरएल के थ्रू वैल्यूज को पास करते हैं तो ये हमारे यूआरएल में शो होगा, ये हमारे वेरिएबल का नेम है, या हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा इंडेक्स है गेट अरे का, और इस इंडेक्स पर जो हम वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं अरे में वो हमारे पास ये है। इस आईडी में वन भी हो सकता है, टू थ्री फोर सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, जो यूजर की आईडी होगी, इस रॉ की आईडी होगी वो यहाँ पर स्टोर होगी। ओके, सो नेक्स्ट पर हमारे पास क्या है कि हमने जो करना है वो है हमारे पास ये एडिट का, तो इसके लिए हम अपडेट डॉट पी एच पी की एक फाइल बनाएंगे और उसमें हम पास करेंगे अपडेट आईडी, और यहाँ पर हम इसको इक्वल टू कर देते हैं ये आईडी के। ओके, हम जब भी किसी रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, या अलग से हम उसको डिस्प्ले करेंगे, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले मैंने अगर किसी चीज को डिलीट करना है रिकॉर्ड को, तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें आईडी की जरूरत होती है। सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई करवाते हैं एसक्यूएल की क्यूरी में कि कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो वो आइडेंटिफाई किससे होता है, वो आईडी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके बाद हम उस रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं या अपडेट करते हैं। शो कंटेंट पर ही हम डिलीट की
फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे, सो कंटेंट डॉट पी एच पी, और इसमें भी इसी तरह से कंकेटिनेट करके हम ये डिलीट आईडी जो है वो हम सेंड कर देते हैं इक्वल टू। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ओके सो अगर आप ये नीचे देख रहे होंगे यहाँ पर, तो अभी तक इसमें जो है वो नहीं आ रही। मैं देखता हूँ कि इसमें ये आईडी जो है वो क्यों नहीं आ रही हमारे पास। आईडी इस पर क्लिक करके देखते हैं, अगर मैं ये व्यू पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये इसमें आईडी यहाँ पर आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आ रही। ओके सो हमने एक और मिस्टेक कर दी यहाँ पर, हमने इधर इसको क्लोज करना था, और सेम इसी तरह से सब में हमने क्या करना है, ये इस तरह से यहाँ पर इसको लगाना है। ओके सो अब हम इधर हमने कर लिया, इधर भी हमने ऐसा ही करना है, क्योंकि हम जब मैं फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर हम ये देखें यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ, अगर ये हम दें तो इसके अंदर ही हमें जो है वो पूरा लिंक देना है, इसके अंदर इन इस कोटेशन के अंदर जो भी हमें लिंक देना होगा वो इस कोटेशन के अंदर देना होगा। सो अब हम सेव करके इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, तो अब ये आईडी जो है वो आ रही है, अभी तक हमने अपडेट डॉट पी एच पी का पेज नहीं बनाया। तो अगर मैं व्यू पर क्लिक करूं तो ये व्यू पर आईडी जो है वो आ रही है और ये पेज पर भी जा रहा है। हमने यहाँ पर जो है व्यू में इस पेज पर जाकर हमने क्या करना है, रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले करवाना है। और अगर मैं डिलीट पर क्लिक करूं तो ये सक्सेसफुली इसी पेज पर ये क्या हो रही है, रिक्वेस्ट सेंड हो रही है, और ये यूआरएल जो है वो चेंज हो गया है। ये डिलीट आईडी जो है वो हमारा क्या है, इंडेक्स का नेम है, गेट अरे, एक पोस्ट अरे होता है, गेट अरे होता है, तो ये गेट अरे के इंडेक्स का नेम है और ये आईडी जिसको हम डिलीट करने जा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।